पूरे विश्व के लोगों में जनसंख्या और बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11th of July। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत 11th जुलाई 1989 में UN के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 11 जुलाई 1989 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था। तब से यह हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, किसी भी देश के लिए मानव संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। मानव संसाधन उस देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनका भी योगदान बहुत ज़्यादा होता है उस देश के विकास के लिए। लेकिन लगातार अनियंत्रित रूप से वृद्धि होता है जनसंख्या में, तब किसी भी देश के लिए परेशानी बढ़ सकती है, परेशानी बन सकती है। और इस बढ़ती हुई जनसंख्या से अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी आदि भी बढ़ती ही जाती है और अन्य समस्याएं भी लगातार बढ़ती जाती हैं। दोस्तों, इसका जो मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य मनाने का हुआ है जनसंख्या से संबंधित मुद्दों जैसे कि बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, जेंडर समानता और जनसंख्या में स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी देना है। तो इसका जो उद्देश्य है वह इम्पोर्टेंट है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में लोगों को बताना, इससे होने वाली गरीबी के बारे में भी समझाना बताना, जेंडर समानता, इसमें लिंग भेद जो होता उसके बारे में बताना, और साथ ही साथ इतने बड़े जनसंख्याओं में स्वास्थ्य की जो कमी होने वाली है या जो कमी है उसके बारे में भी बताना है इसका मेन उद्देश्य। अभी विश्व की आबादी 7.8 बिलियन है और यह तेज़ी से बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अभी अगर बात करते हैं 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार तो 7.8 बिलियन है विश्व की आबादी और यह लगातार बढ़ती ही जा रही है। अगर जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल या काबू करने का कुछ नहीं किया जाता है तो बड़ी समस्या का सामना हमें आने वाले समय में करना पड़ेगा। और दोस्तों, विकासशील देशों में बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वह एक गंभीर चिंता का विषय है। तो यह है कि जो विकासशील देश हैं उसमें लगातार जनसंख्या में बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। विश्व के दो देशों चीन और भारत क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में। तो अगर विश्व में अगर बात करते हैं किस देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वह है पहले नंबर पर चीन और दूसरे नंबर पर भारत है, और ये दोनों एशिया महादेश के देश हैं और यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी आबादी भी रहती है इन दोनों देशों में। अगर जनसंख्या में नियंत्रण नहीं हुआ तो बहुत जल्द अन्य संसाधनों में कमी आ जाएगी और अन्य परेशानी का सामना भी हमें सब चीज़ों में करना पड़ेगा। ना तो हमें शुद्ध हवा मिलेगी, ना तो शुद्ध जल, ना तो शुद्ध रहने का अच्छा स्थान, और ना ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ हमें प्राप्त होंगी। तो यह बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमें इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमें शुद्ध हवा भी नहीं मिलेगी, ना तो शुद्ध जल मिलेंगे, ना ही रहने का अच्छा स्थान और ना ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये सब आने वाली समस्याएं हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। दोस्तों, हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कुछ थीम के साथ में मनाया जाता है। तो थीम इम्पोर्टेंट है और यह थीम है इस वर्ष का 2021 का जो थीम है वह है अधिकार और विकल्प उत्तर हैं। चाहे बेबी बूम हो या वर्स्ट, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान सभी लोगों के प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है। तो यह इस वर्ष का थीम है। इसको अगर हम लोग इंग्लिश में कहेंगे तो इंग्लिश में है राइट्स एंड चॉइसेस आर द एंसर, वेदर बेबी बूम और वर्स्ट, द सोल्यूशन टू शिफ्टिंग फर्टिलिटी रेट्स लाइज इन प्रायोरिटाइजिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स ऑफ ऑल पीपल। तो यह है इस वर्ष का थीम जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको यह याद रखना है। अधिकार और विकल्प उत्तर हैं। 2020 के थीम की बात करते हैं तो 2020 में भी जो थीम था हुआ था COVID-19 पेंडेमिक के दौरान महिलाओं और लड़कियों की स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों और कमजोरियों को सुरक्षित रखना। तो यह पिछले वर्ष का थीम था। इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में कहेंगे तो हुआ था पुटिंग द ब्रेक्स ऑन COVID-19, हाउ टू सेफ गार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वोमेन एंड गर्ल्स हाउ। तो यह था 2020 का थीम। तो यह दोनों थीमों को आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों,
जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए या नियंत्रण करने के लिए हमें जागरूकता पे बनाना होगा, जागरूकता फैलाना होगा और आने वाली समस्याओं से लोगों को अवगत कराना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें अपने आप में भी समझदारी दिखाना पड़ेगा। नहीं तो फिर जनसंख्या के वृद्धि हो जाने से बहुत सारी मुसीबतों और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ विश्व के हर देश के सरकारों को भी सटीक कदम और नियम कानून लाने या बनाने पड़ेंगे, तभी कुछ हद तक जनसंख्या में नियंत्रण हो सकता है। और नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब जनसंख्या विस्फोट से पूरी पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें सभी का सहयोग भी जरूरी है और इसमें सटीक कदम उठाए जाने चाहिए, नियम कानून भी लगाने पड़ेंगे या तो फिर बनाने पड़ेंगे, नहीं तो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा पृथ्वी और यह जनसंख्या विस्फोट के कारण पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। तो हमें यह याद रखना है, जो थीम है उस थीम को याद रखना है और साथ ही साथ 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में पूरी पृथ्वी में मनाया जाता है, तो इस चीज़ को याद रखना है।